ये देखिए पत्ते जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और आज इसको मैं कट करने जा रही हूँ और इसकी बनेगी पकौड़ी। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैंने थोड़ा सा रियल वॉइस भी रख दिया, अच्छा लग रहा था, कभी कभी रियल वॉइस भी सही लगता है। और आप सब ने देखा है कि मैं यहाँ पर जो पकौड़ी वाला पत्ता है उसको कट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो स्पेस है नहीं, छोटा सा ही है, तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता। बड़ा स्पेस होता है तो फिर ठीक है, अभी तो छोटा स्पेस है हमारे पास, तो उतने में ही, इससे ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं है। इतने में ज़्यादा तो नहीं बनेगा, बट देखते हैं कितना बनता है। तो बाहर से मैंने कट कर लिया और अंदर ला करके जो से इसकी जो डंडी है ना उसको भी कट कर लेना रहता है। मैंने देखा इसी तरीके से होता है तो मैं भी उसी तरीके से कर रही थी। कट करने के बाद इसको वॉश कर लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे, तो वो आगे मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल अभी आप ये देख लीजिए। मॉर्निंग में मैंने बनाया था ये चना और मूंग का, ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करके मिर्च, जीरा मिर्च ये सब डाल के बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे दीदी ने सब्जी कट कर दिया है और ये पत्ता भी कट कर दिया है, तो चलती हूँ पहले जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि उनको जल्दी निकलना है। आजकल इनका ऐसे ही है, जल्दी जाते हैं, इसलिए मुझे हर काम जल्दी करना पड़ता है, मतलब खाना भी जल्दी बनाना पड़ता है। तो पहले मैंने सोचा कि खाने का जो दाल है, सब्जी है, वो सब कर देती हूँ, उसके बाद फिर पकौड़ी बनाती हूँ। पत्ता तो कट हो गया है, तो मैंने यहाँ पे लहसुन और दो मिर्चा और थोड़ा सा अदरक और जीरा, ये इसको मुझे पेस्ट बनाना है। फिलहाल मम्मी लहसुन नहीं खाती तो उनका अलग बनेगा। और पत्ता मैंने इस वाले बर्तन में रख दिया है और इसके ऊपर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। पहले जब मैंने बनाया था बेसन भूल गई थी, मैं कह रही थी मिक्स क्यों नहीं हो रहा है, फिर बाद में मुझे ध्यान आया अच्छा मैंने तो बेसन ही नहीं इसमें ऐड किया है तो मिक्स कैसे होगा। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया क्योंकि बहुत सूखा सूखा लग रहा था। बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले इसमें डाल दिए और ग्लास से इस तरीके से इसको कर लेना है, इस प्रोसेस को, तभी वो अच्छे से मिक्स हो पाएगा। सबसे पहले मैंने मम्मी वाला अलग से बना दिया और उसके ऊपर जो पेस्ट मैंने बनाया था उसमें ऐड कर दिया, और साथ में मैंने ना एक आम का अचार भी उसमें डाला था ताकि थोड़ा सा खट्टा लगे। अब इस तरीके से जाली ले लिया मैंने और जैसे मोमो का शेप होता है ना वैसे ही मैं बना करके इसमें रख दूँगी। ऐसे आप छान भी सकते हैं बट वो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इसको बॉयल किया था, और बॉयल करने के बाद भी इसको छान सकते हैं। तो देखिए गैस पर मैंने पानी चढ़ा दिया इस तरीके से, अब ये बन गया। इतना बना था और सबको हो गया था, मतलब सबने ही टेस्ट कर लिया था। अब इसको इस पे रख के जो जाली वाला बर्तन है जिसमें मैंने पकौड़ी रखा उसको ढक दूंगी, और कुछ टाइम बाद मतलब 10 से 15 मिनट बाद मैं इसको चेक करूंगी तो ये हो चुका है। अब इसको निकालते हैं और सबको खाने के लिए देते हैं। खाना भी रेडी हो चुका था तो साथ में ही मैंने दिया था खाने के लिए। हेलो, तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे। अभी जो आपने क्लिप देखा वो कल का था, कल मैंने बनाया था पकौड़ी और इतना बन गया था कि सबको हो गया था। मेरी लाइट अभी नहीं थी और अभी मैं हम कहीं निकल रहे हैं। मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, मतलब स्किन केयर ही करना और मुझे कुछ करना नहीं। थोड़ा सा लिप टिंट लगाऊंगी और थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के लिए मैं यूज़ करूँगी परफ्यूम। परफ्यूम मैं कौन सा यूज़ करूँगी, ये देखिए मामा अर्थ का ईओडी परफ्यूम सेट ऑफ टू, जो आपने पिछली बार देखा था ना बड़ा वाला, उसका ही ये छोटा है, ट्रैवल फ्रेंडली है। और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते, इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल के लिए तो सभी लोग एक्साइटेड हैं, और फेस्टिवल में क्या होता है सभी लोग स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज़ें तो देते ही देते हैं, लेकिन कुछ अगर डिफरेंट देना हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये गिफ्ट के पर्पस से भी काफ़ी अच्छा है, आप अपने फैमिली मेम्बर या फिर जिसको भी जानते हैं उनको गिफ्ट तो करते ही करते हैं, तो गिफ्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है मामा अर्थ का ईओडी परफ्यूम। ये वुमन के लिए है। जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ और इस बार ये गिफ्ट किसको मैं दूंगी बताओ, मानिया को। ये गिफ्ट मैं मानिया को दूंगी, मानिया को फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा पसंद है। सॉरी मानिया, मानिया इसका नाम है लेकिन मैं इसको मानिया बोलती हूँ। ये गिफ्ट जाएगा मानिया को, लो। लेकिन मैं पहले लगा तो लूँ, ठीक है। मैं आपसे कुछ डिस्कस भी करूँगी, आपसे वीडियो में बने रहिए, तब तक मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल भी बता देती हूँ।
ये है मामा अर्थ का योदे परफ्यूम सेट ऑफ टू, वुमेन के लिए है, मेड सेफ है। बाहर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है, क्रुएलिटी फ्री है, प्लास्टिक पॉजिटिव है। अंदर से पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरीके से है जिसमें आपको 2 छोटे छोटे बॉटल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत क्यूट से लगते हैं। फर्स्ट इसमें है टू द वैली, मेजर नोट इज जैस्मिन, गार्डेनिया एंड लैंग लैंग। बेस नोट इसका है कोकोआ एंड वैनिला। ग्लास बॉटल में आता है ये, पम्प बॉटल में, और बहुत ही क्यूट सा भी लग रहा था और अच्छी खासी क्वांटिटी भी है इसकी। इसके अंदर नेचुरल इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस हैं जिसकी वजह से इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग। आप किसी भी ओकेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं और ये डर्मोलॉजिक टेस्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज मामा अर्थ इनटू द सनसेट। टॉप नोट इज ग्रेपी फ्रूट, मिडिल नोट इज टैंगेरियन पैशन फ्रूट एंड बेस नोट इज पियोनी इरेस। इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मॉल जाते हैं एक्सेट्रा, आप इसको यूज करें। ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है ना कि आपको इसको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप ये ट्राई कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली है, सिर्फ और स्किन, मेड सेफ, सर्टिफाइड। नॉर्मली तो सभी को पता है कि परफ्यूम कैसे यूज करते हैं, पर्स पॉइंट पे जैसे कि रिस्ट एंड नेक, बट मैं तो पूरा ही अप्लाई कर लेती हूँ। और ये स्किन पे ना रैशेस किसी भी तरह के या फिर इरिटेशन नहीं करता है। डेफिनेटली आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप सभी चेक कर लीजिएगा। परफ्यूम लगाने के बाद ना ऐसा लगता है कि हम नेचर में आ गए। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। मामा अर्थ की सबसे अच्छी बात ये लगती है इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। मामा अर्थ ने एम किया है कि 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाएंगे। जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने ये ऑर्डर किया, जो लिंक मेंशन बॉक्स में दिया हुआ है उससे जा करके, तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ जिसे आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं। और ये आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अगर आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हैं तो मेरा कूपन कोड Living2024 जरूर यूज करें। इससे क्या होगा, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिएगा। इतना अच्छा गिफ्ट लोगों को दीजिए। मिठाई और ड्राई फ्रूट्स तो सब लोग देते हैं, कुछ डिफरेंट दीजिए। हेलो जी, क्या हुआ? बताओ आशु, मुझे आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना है आशु के लिए ही। जैसे आशु का क्या है ना, अब कंप्यूटर में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, तो लैपटॉप तो था लेकिन वो लैपटॉप जैसे इनका पहले वाला था आशु यूज कर रहे थे, तो उस पर थोड़ा सा और भी बच्चे जो है वो यूज करते हैं तो थोड़ा सा वो खराब हो गया है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अभी तो तुरंत मैं नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आशु का एग्जाम हो रहा है तो थोड़े इनके मार्क्स वगैरह भी आ जाए। अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वेल गुड, तब तो श्योर है कि हम लेंगे एक चीज। और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तब क्या कहना चाहते हो? तब ये पिट्टी मिलेगी, पिट्टी पिट्टी। अब ऐसे भी अच्छे ही आने चाहिए, ठीक है? आता सब है लेकिन स्कूल में जाके मिस्टेक करके चले आते हो, वो मिस्टेक मत करना। बस सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लैपटॉप लूँ इनके लिए। वाशु के पापा का तो है लेकिन वो उनका, उनके वर्क का है, उन्होंने न्यू ही लिया था तो उनके वर्क का तो मैं बोलूंगी नहीं कि तुम लो और उस पर यूज करो। या फिर मैं मॉनिटर तो ये सारी चीजें अभी आते हैं, ये फिर डिस्कस करूंगी कौन सा लेना सही है। अगर वही सही हो जाता है, उसमें कुछ पैसे लगा करके जैसे 8-10 हज़ार भी लगता है और एकदम अच्छा बन जाता है, नया बन जाता है वही लैपटॉप, तो वही वाला रहेगा। और अगर लगता है कि नहीं, इतना पैसा लगाने के बाद भी कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या ले सकते हैं। क्योंकि अभी वाशु का पता है 4th है, नेक्स्ट ईयर 5th में चले जाएंगे, फिर और ज़्यादा स्टडी हायर हो जाएगी, फिर ऐसे ही होती ही चली जाएगी, तो बच्चे की नीड होगी। और अभी में क्या है ना, इसका प्रैक्टिकल था, कल परेशान हो गया लैपटॉप लेकर के घर पे, वो सही से हो ही नहीं रहा था, उसकी बैटरी भी इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रही थी, तो काफ़ी परेशान हुआ। मैंने देखा, फिर मेरे माइंड में आया कि मैं कुछ करती हूँ जिससे इनका प्रैक्टिकल भी होता रहे। आप लोग के पास भी कुछ सजेशन होगा तो बताइएगा, क्योंकि अभी तो मैं आज ही ले नहीं लूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी वाशु का एग्जाम चल रहा है उसके बाद ही हम लेंगे। आप लोग बताइएगा सही डिसाइड किया है या नहीं, लैपटॉप ही सही हो जाएगा या फिर मैं कुछ और देखूँ। ठीक, ऐसे मेरे अकॉर्डिंग अच्छा मार्क्स लाता हूँ, 90+ लाता हूँ। अच्छा, वो तो देखेंगे, तुम्हारे मार्क्स के ऊपर है। फैसिलिटी मिलती है तो बच्चों को स्टडी करना चाहिए, है कि नहीं? वो मान्या का पता ही नहीं चलता, वो 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक पढ़ती है, दिन में सो लेती है थोड़ा सा क्योंकि नींद भी तो पूरी होनी जरूरी है, लेकिन उसकी स्टडी हो जाती है। और मान्या का कहीं ट्यूशन वगैरह भी नहीं है, है ना मान्या? तुम्हारा 7th है ना? 7th है, इसने कहीं पे भी कोचिंग नहीं किया, खुद से पढ़ती है और सब चीज में एकदम परफेक्ट है मान्या। स्कूल में भी और क्लास में भी टॉपर स्टूडेंट्स में से है। इनकी डायरी आती है उसमें इनका नाम है, टॉप 5 में आती है। हाँ, टॉप 5 में मानिया आती है और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है, मिशनरी स्कूल है, ICSE। अरे तो तुम्हारा भी छोटा क्लास है। हाँ। उसके क्लास में पता है कितने बच्चे हैं? कितने? हाँ, पता है 60।
60 और तुम्हारे में 36 तो वो तो डबल हो गया ना उसका, तब तो 72 बच्चे हुए। हाँ उसका डबल हो गया, 98 बच्चे। किसमें? काश गाइस 2 और स्टूडेंट्स आ जाते, 100 स्टूडेंट्स हो जाते। दीदी सेंचुरी स्टूडेंट। हमें निकलना है कहीं, लेकिन अब ये आए तब ना हम निकले, कोई आए भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं इतनी जल्दी आ पाएंगे, होप भी कम ही है। मैं बड़ा एक्साइटेड थी जाने के लिए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए वाशु के लिए। वैसे मैं चाहती हूँ कि वाशु को अच्छे से स्टडी कराऊँ और कराती भी हूँ। क्या वाशु फैमिली में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, हमेशा अकेले ही रहा है मेरे साथ, तो फैमिली का इसको एनवायरनमेंट मिला नहीं है कभी। तो फैमिली में थोड़ा सा इसके लिए होता है प्रॉब्लम कि बच्चों के साथ जब मिलता है तो जैसे लगता है कभी खेला ही नहीं है जिंदगी में ऐसा वाला, थोड़ी एक्टिविटीज़ की चेंज हो जाती है। तो वो सब कोई नहीं समझ सकता है, वो मैं समझती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ। मैं बचपन से मैंने देखा है, हर कोई समझ जाता है, हर माँ, सिर्फ मैं ही नहीं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन ठीक है, वो सोच सोच में फ़र्क है। अगर इंसान पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव ही दिखेगा लाइफ में। कभी ना किसी ने मेरे ऊपर कभी उंगली उठाया है, ना ही मेरे बच्चे पे। लेकिन आशु का मैं से ही स्टार्ट करा दूंगी प्रिपरेशन इनका। तो अभी तो इनके पास 1 साल का टाइम है, ये आराम से खेल लें कूद लें जो भी करना हो कर लें, उसके बाद इनके पास टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि क्लास 5th से तो बस संडे का टाइम है खेलने का। और 5th से नहीं, लेकिन 6th से मैं इनकी स्टडी जो है ना प्रिपरेशन वो कराना स्टार्ट कर दूंगी। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ लिख के कुछ करे, मैं भी चाहती हूँ यही। देखते हैं वाशु कहाँ तक करते हैं। मानिया तुम्हें क्या बनना है पढ़े होके? नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। पीएम बनेगी, ज्यादा हो गया। नरेंद्र मोदी जी बनेगी, भूपेंद्र जो है कुछ तो अच्छा बनेगी। मानिया कुछ अच्छा बनना है, कुछ भी बनना, इंसान भी अच्छा बनना और अच्छा कुछ बनना। तो मैं बोलूंगी देखो ये मान्या है। पता है जब पिछले साल मैंने इसका एडमिशन कराया था, डिस्टेंस पे था, बहुत ही अच्छा स्कूल था, लेकिन वो काफी डिस्टेंस पे था और बच्चे इतने ज्यादा थे ना कि बस भी अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम इसका हेल्थ इश्यू चल रहा था, आप लोग को पता ही था कि इसके इंटेस्टाइन में सिस्ट हो गया था, तो इसकी तबीयत एकदम खराब रहती थी। अब उतने दूर से आना जाना, फिर कॉल भी स्कूल से आए, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। सिर्फ 1 मंथ भी ये ठीक से नहीं वहां पे पढ़ा होगा और मुझे वहां से इसका एडमिशन दूसरे जगह पे कराना पड़ा। 1 मंथ भी नहीं गया था और सारी स्टेशनरी, सारे यूनिफॉर्म, 3 मंथ्स की फीस, सब कुछ मैंने सबमिट कर दिया था और सब कुछ ले भी लिया था। मेरा बहुत पैसा लग गया था। बच्चे का हेल्थ भी मस्ट है, हेल्थ सही रहेगा तभी ये पढ़ेगा। और मैं इन सब चीज़ों में नहीं सोचती हूँ कि बच्चे पे क्या पैसा लग रहा है या वो हो रहा है। जो भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैसे ही वाशु मार्क्स अच्छे लाएंगे तो फिर इनका कुछ करते हैं, है ना? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस स्कूल की ये बात कर रही है जिसमें मैं 1 मंथ भी ठीक से नहीं पढ़ा था, उसके एंट्रेंस के लिए मैंने अपने क्लास 2nd के एनुअल से भी ज़्यादा स्टडी किया था। हाँ बहुत ज़्यादा। और वाशु ने बहुत ही अच्छे अच्छे स्कूल में 3-4 स्कूलों में निकाला था, लेकिन सब वही था, डिस्टेंस था, इस वजह से मैं नहीं करा पाई थी। एक अब चिट चैट टाइप्स वीडियो है, देखिए अब इससे ज़्यादा तो मैं दिखा नहीं सकती। आप लोग को पता है कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ फिलहाल के लिए, थोड़ा बहुत मैं वीकेंड पे जाती आती थी, वो भी नहीं जाती हूँ अब, तो मैं दिखाऊँ क्या, है ना? तो जो मैं कर सकती हूँ वही दिखा सकती हूँ, जो या तो मैं बोल के दिखाऊँ, या तो मैं कोई रेसिपी दिखाऊँ, या फिर कुछ और दिखाऊँ, या फिर मान्या को किसी दिन पीट के दिखाऊँ। लड़ाई वाली वीडियो बहुत चलती है, पता है तुमको? मारो पिटी करते हैं, मारती हूँ तुमको धमधम, ठीक है? और उसके बाद तुमको घर से निकाल दूंगी, ठीक है ना मानिया? हाँ, उसके बाद वो वीडियो चली जाएगी ट्रेंडिंग में, मानिया को मार के घर से निकाला बाहर। लेकिन है काफी लोग जो पसंद करते हैं हमारी सिंपल सादे वीडियो को भी, यार सादा जीवन उच्च विचार। आजकल पता है मेरे से बहुत मिस्टेक हो रही है, मतलब मैं गलती कर नहीं रही हूँ लेकिन वो गलती हो जा रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मानिया देख रही है कि आजकल मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ। बेचारी मेरे सर में लेके ऐसे ऐसे कर रही थी, मेरा जो भी प्रॉब्लम हो रहा था मुझे वो ला के दी है, एनरॉन पानी में मिला के ला के दी है। मैं गलती कर नहीं रही हूँ लेकिन मैं इतनी बुरी हो गई हूँ ना, इतनी बड़ा हर्ट होता है। क्या बोलूं, छोड़ जाना। मानिया मुझे बहुत परेशान कर रही है। हम भाग जाएंगे यहाँ से, सही बता रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब की तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, नहीं तो चलिए ठीक है एंड करती हूँ, ज्यादा बातें नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने कहा ना आजकल मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, मैं चीजें सही करती हूँ लेकिन वो चीजें गलत हो जाती हैं, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय 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 बाय।